आपने गुजराती में उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया, मुझे गुजराती थोड़ी कम समझ में आती है। अगर आप हिंदी में हमें बताएं कि आपने उनसे क्या कहा या किस तरह से आशीर्वाद दिया तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। हमने ये जो नट सम्राट गुजराती में पिक्चर जो रिलीज होने जा रहा है उसके लिए हमने यही बात करी कि उसके पहले भी हिंदी में पिक्चर, मराठी में पिक्चर बाहर पड़ा हुआ है और इसके बाद गुजराती में सही लोगों को मार्गदर्शन मिले, संस्कार मिल सके, इस संस्कार से लोगों को, अच्छे लोगों को परिवर्तन हो सके। अभी संस्कार की जरूरत है, लोगों को संस्कार भूल चुके हैं, वो लोगों के दिमाग में उतर सके, इसीलिए ये नट सम्राट गुजराती पिक्चर द्वारा लोगों के जीवन के अंदर संस्कार आ सके, यही माध्यम उनको हमने आशीर्वाद दिया है कि एक एक आपका भाग है, ये संसार में अपन जन्म लिया है, ये सब नाटक है, पिता है, पुत्र है, माता है, बहन है, भाई है, भाभी है, ये सब एक नाटक का रोल है, पर ये कर्म करने का आपको एक मिला है, इस कर्म के द्वारा यहाँ ऐसे ऐसे कर्म करने, अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, उस कर्म को आपको यहाँ से कर्म कम करके, ये स्वार्थ पूर्ति कम करके और जीवन को धन्य बनाने के लिए ये मार्गदर्शन संस्कार द्वारा मिलता है, ये पिक्चर द्वारा। आजकल लोग हमको प्रवचन सुनने आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2000-3000 लोग आएंगे प्रवचन सुनने के लिए, पर एक आपका ये सोशल मीडिया, आपका ये मीडिया पिक्चर द्वारा हजारों लोगों को सुन सके और उनको मार्गदर्शन मिल सके और उनके जीवन के अंदर संस्कार आ सके, यही हमने उनको आशीर्वाद दिया है कि जीवन के अंदर परिवर्तन आवे और संस्कार आवे, यही हमारा आशीर्वाद दिया है। शायद नट सम्राट जैसी फिल्में बनाने के लिए उनकी जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि हमारे परिवारों में, हमारे परिवार के सदस्यों में प्रेम कम हो गया है, ये एक बड़ी बात है। आप एक संस्था भी चलाते हैं, हाँ, मेरे गुरुदेव प्रेम महाराज साहब, उनकी उम्र 97 उम्र थी उनकी, उनके गुरुदेव का कालधर्म हुआ उसको 2 साल हो चुके हैं, उनकी गुरुदेव की एक ही भावना थी, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये गुरुदेव की भावना थी और जब से गुरुदेव गए तब से मैंने मन में ठार लिया है कि गुरुदेव आपकी जो इच्छा है हम वो पूरे करेंगे। जब से गुरुदेव गए तब से 2 साल से हमने गुरु प्रेम मिशन का नाम से एक कार्यक्रम चालू किया, एक लॉन्च करने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में आगे बढ़े हैं और तब से मानव सेवा का कार्यक्रम के लिए 2 साल के अंदर कम से कम 150-200 करोड़ रुपये हमने मानव सेवा के पीछे लगाए हुए हैं, वो पानी का पूर्व राहत हो या किसी भी कोई भी काम का राहत हो, अभी भी जैसा चल रहा है केरल में वहाँ भी हमने अभी 10-15 लाख रुपये हमने भक्तों द्वारा, गुरु मिशन द्वारा हमने वहाँ पैसे भेजे हुए हैं और वहाँ लोगों के लिए खाना भेजा हुआ है। ये हमारा गुरुदेव की भावना थी कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और मानव के लिए हर ज्ञान बढ़े, उनके अंदर संस्कार आवे, उनके अंदर जीवन के अंदर हिंसा दूर हुए, उनके अंदर प्रेम भाव बढ़े, यही हमारे गुरुदेव की भावना है। ये मानव सेवा द्वारा, ये मानव सेवा गुरुदेव की भावना थी और हम गुरु मिशन द्वारा ये कार्यक्रम हम हर जगह, हर हिंदुस्तान के अंदर कार्यक्रम करना चाहते हैं और उस आपके मीडिया द्वारा सबको पहुँचाना चाहते हैं कि मानव सेवा करनी जरूरी है और ये गुरु मिशन हमारा ये काम करने जा रहा, आगे बढ़ रहा है, इसके लिए खूब प्रगति कर रहे हैं, उसी लिए हमें खूब खूब आशीर्वाद दिया है और आप लोगों को भी खूब खूब आशीर्वाद है। गुरु जी, जो गुरु प्रेम मिशन है, जो संस्था है आपकी, ये आने वाले वक्त में और किस तरह की क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज करने वाली हैं? मानव सेवा जो आपने कहा, मानव धर्म की सेवा की, ऐसे ही मेरे गुरुदेव की भावना थी, अब वो मानव सेवा बात उसके साथ अभी में हम टू समय में वो कार्यक्रम होने जा रहा है, मार्च महीने में गुरुदेव को शताब्दी वर्ष की शुरू होने जा रहे हैं, उस समय बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है मैंने, जो खेडूत अपघात करके मर रहे हैं उनके लिए, गायों के लिए, पानी की परब और जीव दया के लिए, और अभी हम जो काम करना चाहते हैं उसी चीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। मार्च महीने में 2019 के अंदर 20 मार्च से लगा के 24 मार्च में बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा, हम पूरे जैन 5 लाख जैन इकट्ठे होकर ये कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, आप इसमें सब जुड़िए और मानव सेवा के साथ और साथ जुदिया का काम और हर चीज़ के कार्यक्रम के लिए, स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर चीज़ के लिए हम आगे बढ़ने चाहते हैं इस काम में लिए और आप लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए और यही लोगों को मार्गदर्शन देना चाहते हैं हम, गुरुदेव की भावना थी। जब आप पावरफुल होंगे इसी चीज़ से तो आज इस अभी सबसे चीज लोगों की, 2 चीज़ की जरूरत है, सबसे चीज़ की जरूरत लोगों की जरूरत है, एक हॉस्पिटल और एक पढ़ाई, 2 चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है, उस लोगों के तक पहुंच सके और हम गुरु मिशन द्वारा वहां पहुंचा सके, ऐसे हम आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा देते जा रहे हैं। गुरु जी, जब आप सत्संग में होते हैं बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास अपनी छोटी 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 बड़ी समस्याएं लेके आते होंगे, परिवार की समस्याएं भी लेके आते होंगे, जो विषय पर आज हमारे सम्मेलन में आधारित है, तो आप उन्हें क्या कहते हैं? जैसे बेटे पिता की बात नहीं मानते, पुत्र मानते नहीं है, बेटियां अलग राहों पर जा रही है, उन्हें कैसे आप समझाते हैं, उन परिवारों की समस्याओं को कैसे दूर करते हैं? हम एक ही समस्या, आज मैंने प्रवचन में गुजरात में बोला था, जिस पत्नी, घर के अंदर पत्नी और माँ जिसका बहुमान नहीं है,
उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास नहीं रहता है, उनको पहली सीधा आज हर व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे पैसा के पीछे पागल के जैसा दौड़ रहा है, पर घर के अंदर घर की लक्ष्मी है उसको खुश नहीं रखता है, उसको उतार देता है बार बार, और माँ को और पत्नी को परिवार को खुश रखेगा उसके अंदर घर में का लक्ष्मी का वास रहता है। यही हम अलग अलग एंगल से उसको समझाते हैं। ऋषि मुनियों ने शुरू से ही हमारे देश को, भारत देश को उनका मार्गदर्शन किया है, लोगों को सही राह दिखाया है। आज के समय में, आज के इस वक्त में, इस दौर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? इंसानियत को, मानव का हो। मैंने पहले ही बोला, अभी और बोल रहा हूँ, अभी इंसान को खाने के लिए मिल जाएगा, अभी हॉस्पिटल और पढ़ाई दो चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है। आदमी खाने के लिए कुछ भी खा सकता है, पेट भर सकता है, पर ये दोनों चीज़ें बहुत महंगी पड़ रही है। तो उन लोगों के लिए जितना बदले उतना सहाय करें, मदद करें, हर संस्था, हर ट्रस्ट, हर व्यक्ति उसके लिए, अपने समाज का हो, अपने साथ का हो, अपना फ्रेंड हो, अपना दोस्त हो, अपना ग्रुप हो, कोई भी हो, उसको ये दोनों चीज़ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें तो हर व्यक्ति खड़ा हो सकेगा। और वो आज व्यक्ति को अपन सपोर्ट करेंगे, कल वो व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा दे वो दूसरे दो व्यक्ति को सपोर्ट करे, तो सारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी गरीबी नहीं रहेगी और पढ़ाई हर बच्चा कर सकेगा और हर घर के अंदर से बीमारी दूर हो सकती है। बस ये मीडिया द्वारा आपको कहना चाहता हूँ, हमारे गगन भाई ने, ये जो सोशल मीडिया आप सबको, हमारे अखिलेश भाई ने सबको इकट्ठा किया आपको मीडिया द्वारा, ये हम सब परिवार को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा ही मीडिया द्वारा लोगों के जीवन के संस्कार दें, ऐसी बात सबके जगह पहुँचाएं, हिंसा की बात और लोगों को जो खराब चीज़ें कम पहुँचाएं और लोगों के जीवन के परिवर्तन में वो चीज़ अच्छी दें। हमको आपके तरफ से यही आपके अपेक्षा है ये चीज़ की, लोगों को प्रेरणा दे, ऐसी कोई चीज़ दो, लोगों का जीवन परिवर्तन हो ऐसी कोई प्रेरणा दो। मीडिया द्वारा आज तक मीडिया द्वारा सबसे परिवर्तन यही ला सकता है, दूसरा कोई नहीं ला सकता है। धन्यवाद।